अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम तुर्की। मैं जिस जगह पे हूँ ये बिल्कुल जॉर्जिया के बॉर्डर के पास है और इसके बिल्कुल पास है एक छोटा सा सिटी जिसे कहते हैं बॉर्चका। इस गांव का एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं पता, लेकिन इसके बिल्कुल पास है लेक कारागुल, जिसकी तरफ मेरा जाने का प्लान है सबसे पहले। और उसके बाद मेरा प्लान ये है कि मैं अपनी राइड कंटिन्यू करूँगा ईरान के बॉर्डर की तरफ। कॉल गूगल के मैंने अभी खोल के चेक किया है, 450 किलोमीटर है। 450 किलोमीटर क्योंकि ये आर्मेनिया के बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ जा रहा है और कोई मेन हाईवे इसके साथ नहीं लगती, तो इसमें मुझे लगेंगे 8 घंटे बगैर ब्रेक के। तो हो सकता है जब मैं ब्रेक्स वगैरह लूँ तो 10 घंटे भी हो जाएं। प्लान मेरा ये होगा कि मैं कोशिश करूँगा कि अब जितना मैं ईरान के बॉर्डर के पास पहुँच सकता हूँगा पहुँचूँगा। अगर मैं नहीं पहुँच सकता तो मैं 1-2 घंटे पहले किसी जगह पे स्टे कर लूँगा और फिर नेक्स्ट डे राइड कंटिन्यू करूँगा। लेकिन जब मैं आज का व्लॉग ख़त्म करूँगा तो आपको मैं एग्जैक्ट बताऊँगा, क्योंकि वो एरिया भी काफ़ी खूबसूरत है और मेरी कोशिश होगी कि शायद मैं 1-2 दिन वहाँ पर गुजार के फिर मैं आगे ईरान में इंटर हूँ, क्योंकि माउंट अरारत वहाँ पर है और वो यहाँ की सबसे बड़ी माउंट है। और मेरा प्लान ये है कि एक दफ़ा मैं उसको देख के वहाँ पे एरिया घूम के फिर मैं आगे एंटर हूँ। लेकिन खैर अभी सबसे पहले करते हैं नाश्ता जिस जगह पे हूँ मैं, काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 100 लीरा पे किए और इतना ज़्यादा उसने मुझे नाश्ते का सामान ला के दे दिया, और बाहर भी मकई की फील्ड्स और बड़ा इसका ना गाँव वाला माहौल है। तो अभी नाश्ता करते हैं और उसके बाद आपसे कंटिन्यू करेंगे लेक कारागुल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज तो बाइक जो है ना वो सही स्टार्ट हो गई, कोई मसला नहीं किया, मुझे डर था कि आज फिर जो मसला ना करें। सुभानअल्लाह सखाना सब अभी सबसे पहले जो है ना हम लोग लेक की तरफ जा रहे हैं। सामान मैंने अपना सारा नहीं साथ लिया, सिर्फ कैमरा गियर वगैरह रखा, बाकी मैंने इधर ही रखा। मैंने कहा चलो जल्दी से करके, क्योंकि रास्ते में हमने वापस इसी तरफ से आना है। तो अभी मैंने कहा कि चलो ड्रोन की बैटरीज भी है वो भी चार्ज हो जाएँ, कि एक मैंने सुबह उड़ाया था तो मैंने चार्जिंग पे लगा दी है। यहाँ से आई थिंक और 15 से 20 मिनट का रास्ता है, लेकिन ये राइड खूबसूरत है, ये एरिया काफ़ी खूबसूरत लग रहा है मुझे। रात को तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था यहाँ पर सिर्फ इतना था कि ऊपर नीचे मुझे कुछ थोड़ी थोड़ी सी बत्तियां नज़र आ रही थी, तो उससे मुझे लग रहा था कि भाई हम लोग माउंटेन्स में हैं। इसलिए मैं प्रेफर यही करता हूं कि दिन के टाइम की राइड हो। लेकिन आखिरी 20 किलोमीटर ऐसे थे, तो उसमें मैंने कहा कि चलो अब जाने देते हैं, यहां पहुंच के नाइट स्टे करेंगे। और यहाँ का नाश्ता वाकई बहुत आला था, तो इस वजह से वो जो मैंने रात को 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा अंधेरे में चलाई थी उसके पैसे पूरे हो गए। ये रास्ता जा रहा जी कारागुल की तरफ। ओ अंदर बैठा हुआ था, मुझे लग रहा था इधर बंदे ही कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हाउ मच? 9। तशक्कुर। मैंने उसको देखा नहीं, मैंने कहा अभी कोई बंदा नहीं है, साइड से ही निकल जाते हैं, ये तो बंद है अंदर से। अचानक उसने इशारा किया, नहीं नहीं इधर इधर।
ये है जी लेक कारागुल। मेरे ख्याल में तुर्की की जो सबसे खूबसूरत लेक मैंने देखी है ये है। इसकी मैंने तस्वीरें देखी थी इंस्टाग्राम पे, काफ़ी खूब अच्छे अच्छे फोटोग्राफर हैं तुर्की के जो इसकी तस्वीरें अपलोड करते रहते हैं। वो मैंने ऑटम वाली मोस्टली तस्वीरें देखी थी और मुझे बहुत पसंद आई थी, तभी मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। बेसिकली बाइक लेके यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो उन्होंने लगाया हुआ था रोकने के लिए वो गाड़ियों के लिए था, तो मैंने साइड से निकाल के यहाँ पे ले आया हूँ। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे कहते हैं यहाँ पे खड़ी नहीं कर सकते, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा दो चार तस्वीरें लेने दें, मैं उसके बाद निकलता हूँ। बहुत खूबसूरत है, पानी बिल्कुल क्लियर है इसका, और साथ में जो दरख्त है उनका रिफ्लेक्शन नज़र आता है, मछलियों से बड़ी पड़ी है तो वो भी नज़र आती हैं सारी। अभी वो सामने खड़ी है मेरी बाइक, ये यहाँ पे करके आपको नज़र आ रही है, तो इसको निकालते हैं इधर से और बाहर चलते हैं जहाँ से हम ड्रोन उड़ा सकें कोई अच्छी सी लोकेशन ढूंढ के। लेक से निकलते निकलते बहुत देर कर दी है, खूबसूरत थी और साथ में मैंने फिर ड्रोन भी उड़ाना था तो उसके लिए जगह ढूंढनी थी कि किधर जाके मैं उड़ाऊं, और अभी 10:45 हो गए हैं। मुझे एक्चुअली यहाँ से 10 बजे निकल जाना चाहिए था, 2 घंटे मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे लगा दिए हैं, और मैं प्लान करके आया था कि मैं सिर्फ 15-20 मिनट जो है वो यहाँ पर गुजारूँगा। ये होता है कि बंदा प्लान कुछ और करता है और होता कुछ और है, लेकिन खैर एनीवे जो इन्जॉय किया यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत मौसम भी अच्छा था, इतनी ज़्यादा कोई बारिश वगैरह नहीं हो रही थी, हल्की हल्की सी स्टार्ट हुई थी बाद में रुक गई थी, और अभी और 15 मिनट मुझे लगेंगे अपनी अपने होटल तक पहुँचते हुए, वहाँ से चेकआउट करना है और अपना सामान पकड़ना है हमने। अभी यहाँ पर टूरिस्ट आना स्टार्ट हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, ये मिनी वैन्स वगैरह पर ले कर टूर्स ऑपरेटर आ रहे हैं टूरिस्ट को। ये है जी विलेज जहाँ पे मेरा होटल है, और छोटा सा विलेज है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स और होटल्स वगैरह लोगों ने अपने घरों में बनाए हुए हैं, तो अगर आप इस रीजन में आएँ तो कोई मसला नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। वैसे ऑन द गो भी आप बुकिंग कर सकते हैं, बहुत अवेलेबल हैं। हो सकता है कि हाई सीज़न में जब यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा हो तो फिर मसला हो। अभी ये देखना है कि मेरे वाला किधर गया। अब मैंने थोड़ा सा रूट चेंज किया, बेसिकली हम लोग डायरेक्ट ईरान के बॉर्डर की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि हम लोग जाएंगे उधर ही, लेकिन रास्ते में एक छोटा सा स्टॉप लेंगे आर्मेनिया के बॉर्डर के साथ। एक आर्मेनियन सिटी है तुर्की में ही, उसे कहते हैं एनी। बेसिकली वो अब वहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन यह कि रूइंस हैं उस सिटी की, क्योंकि जब वॉर हुई थी तो उसके बाद आर्मेनियंस वहाँ से चले गए थे, तो उसकी बाकी जो हिस्ट्री है वो मैं आपको वहाँ जा के बताऊँगा। उसका टोटल डिस्टेंस है जी 282 किलोमीटर, तो कॉल गूगल के 5 घंटे लगने चाहिए, लेकिन लेट्स सी, आई थिंक के अभी बजे हैं 11:30 और मैं वहाँ पे होऊँगा ऑलमोस्ट 6 बजे के करीब, तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमने किस तरफ राइड करना है। उसके पास जो छोटी मोटी सिटी होगी वहाँ पे हम नाइट स्टे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आज का दिन हमारा अच्छा गुजारे, अभी तक का तो दिन अच्छा गुजर रहा है तो इंशाल्लाह आगे भी अच्छा गुजरेगा। काफ़ी खूबसूरत रीजन है ये वाला।
नेविगेशन हमें लेफ्ट पे लेके जा रही है, चलना यार आगे निकल जाइए। ट्रक वाला जो है ना इतनी देर से मैं पीछे रोक के खड़ा हुआ। ये है जी बर्च का सिटी। हम सिटी में इंटर तो हो गए हैं लेकिन ये कि सिटी में स्टे नहीं करेंगे, हम आगे ही निकलते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। नाश्ता मैंने अच्छी तरह कर लिया था, आज नाश्ते की भी ज़रूरत नहीं है रास्ते से करने की। लंच ब्रेक लेंगे बड़ी सारी आज। हाइड्रोलिक पावर प्लांट, कोई बंदा नहीं है, बंद लग रहा है या लगता है अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है इसकी। सामने कर्व आ रहा, नहीं तो बंदा इसको क्रॉस कर सकता था। कर्व पे कर्व है भाई, इधर थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे लगता है इसको क्रॉस करते हुए। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ इसको राइट साइड से भी क्रॉस कर सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता यार, इनका पता कोई नहीं, गुस्सा ना कर जाए ट्रक वाले। ये एक्चुअली काफ़ी बड़ी लेक है और काफ़ी खूबसूरत लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ आगे अगर मुझे कैफ़े वगैरह मिला ना तो वहाँ बैठ के एटलीस्ट चाय पी सकते हैं। एक छोटा सा स्टॉप लेंगे, ज़्यादा पड़ा नहीं लेते, अगर कोई कैफ़े मिला तो इसके साथ किसी अच्छी लोकेशन पे, ना मिला तो हम चलते जाएंगे राइड करते जाएंगे आगे की तरफ। मैं सोच रहा था कि ये कोई लेक है लेकिन मेरे ख्याल में ये लेक नहीं है, हो सकता है कोई रिवर हो, क्योंकि मैं 20-25 किलोमीटर हो गए इसके साथ साथ राइड करता आ रहा हूँ और ये भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। गूगल पे मैंने इसका नाम चेक किया, चरोही लिखा हुआ है और बहुत खूबसूरत है इसका पानी, बिल्कुल ब्लू कलर का साफ पानी आ रहा है, लेकिन साइडों से पहाड़ों से आ रहे हैं दूसरे छोटे छोटे चश्मे टाइप, तो उनके डिफरेंट कलर्स हैं। मुझे तो बहुत खूबसूरत जगह लगी है और मैं सोच के नहीं आया था कि मैंने यहाँ पे जाना है। ये बस रूट के अंदर आ गया तो आ गया, लेकिन कमाल हो गया, रूट जो है वो खूबसूरत से खूबसूरत होता जा रहा है आज का तो अभी तक। शबशात, हमने जाना है जी शबशात की तरफ, अर्दानुज शबशात। थोड़ा सा मैं यहाँ पे गुम हो गया हूँ अपने ख्यालों में, पीछे इतनी खूबसूरत जगह थी और ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया है। ट्रक से आगे लगे, इसने धुआं फेंक फेंक के अपना बुरा हाल कर देना है। सो अगला बड़ा सिटी जो हमारे रूट में आएगा वो है शबशात। आर्तमिन अभी हम गुजर गए हैं, वो राइट साइड पे था। सो ये जो आप सामने देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे सिटी, ये है आर्तमिन। अभी मैंने यहाँ पे खड़े होकर ड्रोन उड़ाया था यार, बहुत ही कमाल की जगह है, बहुत खूबसूरत लोकेशन। राइड करते हुए कभी कभी साइडों से व्यूज आते हैं।
करें यार, व्यूज क्या आला जगह है, बहुत आला। दिल खुश हो गया यार, आज की राइड बहुत ही आला जा रही है। और मेरे ख्याल में ये वाला जो एरिया है, जो अनएक्सपेक्टेड तौर से मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अभी तक की मेरी सबसे अच्छी राइड्स में से है मेरे ख्याल में। और कौन सी थी, कोई वही होता है कि हर रोज़ आप जैसे जैसे राइड करता जाता हो, कोई ना कोई अच्छी चीज़ और मिलती, तो वो उससे बेहतर लगती है पिछले से। तो ये वाली राइड जो है, ये वाली रोड मुझे जितनी अभी तक मैंने की है तुर्की में, सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है ये। अभी यहाँ पे भी उसी तरह का रोड स्टार्ट हो गया जो मुझे कापादोकिया में मिला था, जिसने मेरी बाइक का सत्यानाश कर दिया था। पिघली हुई रोड्स हैं, या क्वालिटी हो सकता है असफाल्ट की इतनी अच्छी है कि तार जो है, जो ऊपर होता है ब्लैक कलर का, ये सारा पिघल जाता है, और इसने बाइक का सत्यानाश कर दिया था। और अब मुझे वही लग रहा है कि ये दोबारा वही हाल होने वाला है। अब मुझे ये देखना है कि मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा ना, ऊपर तो नहीं जाना था। नहीं, मेरे ख्याल में सही जा रहे हैं। मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ ऐसी रोड्स को, लेकिन कोई और रास्ता है नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने बाइक को साफ़ करवाया था यार, डीजल लगा 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 के इसके ऊपर, और कुछ जगहों से तो उतरा बिल्कुल भी नहीं है अभी तक। ये देखिए वही आ गया सारा सीन। अब पीछे इतने बंजर पहाड़ थे, उनके ऊपर कोई दरख्त नहीं थे, यहाँ पे आए हैं तो टोटल वैली चेंज हो गई है, ग्रीनरी, पहाड़, ऐसे लग रहा है जैसे बंदा ब्लैक फॉरेस्ट या ऑस्ट्रिया वगैरह में राइड कर रहा हो, बहुत ही खूबसूरत। अभी ज़िगज़ैग पाथ स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, एटलीस्ट नेविगेशन तो मुझे यही बता रही है। थोड़ा सा मैं इधर स्पीड से आ गया था, आगे से ध्यान रखना। लंबा पास है भाई, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी भी नेविगेशन दिखा रही है कि कुछ बेंड्स हैं अभी आने वाले। छा गया मेरे ख्याल में, वो सामने जो ट्रक खड़ा है ना सुरख कलर का, वो पास का टॉप है, और हमारे पास बेंड तो ऐसा सच कोई नहीं रह गया, लेकिन लास्ट एक चढ़ाई है उसके साथ साथ पीक के। यहाँ पे बाइक की लिमिटेशन आ गई है, मैं फुल रेस दबाई है, 60 से ऊपर नहीं जा रही। तीसरे गियर में लेके जाऊँगा तो हो सकता है थोड़ा ऊपर चली जाए, लेकिन 34 PS जो है ना, ठीक है कोई माड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी पावर और होनी चाहिए थी। 50 हॉर्स पावर जो है ना, वो शायद होती तो और बेहतर था। होए 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 होए, ठंडी ठंडी हवा आई, नीचे इतनी गर्मी थी और इधर सर्दी शुरू हो गई है। अब अपने टॉप मिस नहीं करना है, मैं सोच रहा टॉप तक थोड़ी देर खड़े हों। ये टॉप ही है मेरे ख्याल में, टॉप ही है। मेरे ख्याल में आगे पक्की बारिश हो रही है मुझे लग रहा है, और बेहतर ये है कि मैं यहाँ पे कहीं पे खड़े होके अपनी जैकेट पहन लूँ और इसके ऊपर भी कवर दे दूँ, बजाय ये कि मैं गीला होके जाऊँ। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बारिश ने मौका दिया, रहम किया मेरे पे। साइड पे, इस साइड पे खड़े करते हैं, यहाँ पर आराम से खड़े हो जाएंगे। Oh.
mind has put me on the edge. Though I can barely crawl, I've got to walk with his angels between. Darkness nearly drowned me, sunlight low, don't it burn my eyes. One room, one person. Okay. How much is it? 100 lira. Yeah, it's okay. रूम काफ़ी अच्छा है, खुला है, साफ़ सुथरा है और सबसे अच्छी बात यह सस्ता भी है। मैं हर जगह ऑलमोस्ट ऑन एवरेज जो है 100 लीरा पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी वही पे किया है। अभी तकरीबन बजे यहाँ पे 6:30 और वैसे तो मैं काफ़ी थका हूँ, सोच रहा था कि यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कराऊँ, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि बाहर जा के खाना शाना खा के आते हैं और उसके बाद जो है रेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अभी मैंने खाना खाया एक लोकल रेस्टोरेंट में कार्स के, जिसका नाम है हैनी मेली। ये बेसिकली एक फैमिली रेस्टोरेंट है और इनका खाना बहुत ही आला था। ये यहाँ की लोकल डिश है जो किसी और रेस्टोरेंट में मेरा नहीं ख्याल कहीं मिलती है, तो मैं क्योंकि अपने होटल वाले से पूछ के आया था तो उसने मुझे यहाँ पे भेजा। और इसका नाम था पीते, लैम से बनती है, इसके साथ अंदर चने थे और थोड़ी सी उन्होंने रोटी भी डाली हुई थी, कुछ इस तरह की चीज़ थी, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आया और अगर आप यहाँ पे आएँ तो ट्राई कर सकते हैं, ये यहाँ की लोकल डिश है। ओवरऑल मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। लेक कारागोल मेरे ख्याल में तुर्की की सबसे खूबसूरत लेक है और अगर आपके पास मौका हो, टाइम हो, तो ज़रूर विज़िट करें। लेक कारागोल से लेके आर्तविन और आगे कार्स की तरफ टोटल जो पहले शवशाद दरमियान में आता है, तो हर 2 घंटे बाद जो है सीनरी टोटल चेंज हो रही थी। 100 किलोमीटर राइड करो, डिफरेंट सीनरी आ जाएगी, आगे डिफरेंट आ जाएगी, तो इतनी वेरिएशन तुर्की के किसी और रीजन में सीनरी में नहीं आई। तो ये प्रोबेबली मेरा बेस्ट डे था समझा सीनरी के लिहाज से, कि जिस तरह सीनरी वेरिएशन हो रही थी। अभी आज मैंने टोटल डिस्टेंस कवर किया 330 किलोमीटर के करीब। प्लान तो मेरा ये था कि मैं एनी की तरफ जाऊं जो आर्मेनिया के बॉर्डर के साथ है और आगे कंटिन्यू करूं ईरान के बॉर्डर की तरफ। अब इंशाल्लाह मैं कल जाऊंगा, बारिश की वजह से मैं नहीं जा सका आगे और वहां से फिर बॉर्डर की तरफ जाएंगे। आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलेगा और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।